छठ पूजा के अवसर पर सुरक्षा के तमाम उपायों के बावजूद दुर्घटनाएं भी हुई हैं फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में अलग अलग घाटों में तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई कोठी हाट नहर में छठ घाट की सफाई करने के दौरान एक मजदूर डूब गया हादसे में सफाई कर्मी राजकुमार बांसखोर का कोई पता नहीं चल पाया है कर्मचारियों के द्वारा खोजबीन जारी है

जेसीबी नहर के बावन आरडी पुल के पास छठ घाट बनाने के क्रम में आठ साल के बच्चा गहरे पानी में डूब गया इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है लड़का पानी में गया था घाट बनाने के लिए गहरे पानी में उसका पैर चला गया फिसल गया पानी इसी की वजह से मौत हुआ लड़का का घर कहाँ हुआ नागपुर वार्ड नंबर ग्यारह नागपुर पंचायत है क्या हाँ? वहीं नरपतगंज एनएच सतावन सड़क मार्ग में पलासी गांव के पास अनियंत्रित ट्रक बेकाबू होकर पलट गया इस घायल हो गए, गए हैं वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पारविजगंज के डीएसपी राम पुकार सिंह और नरपतगंज के बीडीओ डी ओ घटनास्थल पर पहुंचे फिलहाल सभी घायलों का इलाज पारविजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है और नरपतगंज पुलिस शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है पंजाब केसरी टीवी के लिए फारबिज़गंज से विपुल की रिपोर्ट